अपन ने अपनी कंपनी को पासवर्ड दिया था, तो कंपनी आपको इस टाइप से स्टार स्टार में शो हो जाएगी। अब इनमें से आपकी कंपनी कौन सी है? इनमें जो आपको सबसे लास्ट वाले पासवर्ड वाली कंपनी देखने को मिलेगी वो अपनी कंपनी आज तो आप पहचान नहीं, क्योंकि अपन ने लास्ट टाइम यही कंपनी बनाई थी। अब आगे कभी आप ओपन करें आप कंपनी का ये नंबर याद रख लेंगे। आप इसको एंटर करना, यहाँ पे आप पासवर्ड देना 1234, एंटर करेंगे यहाँ पे आपको कंपनी का नाम देखने को मिल जाएगा। अब आप इसमें यूजर नेम डालना और पासवर्ड एंटर करेंगे तो कंपनी आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको कंपनी का नाम देखने को मिल रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, गेटवे ऑफ टेक। और यहाँ पे आप देख रहे हैं करेंट पीरियड में आपको बता रहा है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये डाला था अपन ने फाइनेंशियल। और करंट डेट में आपको बता रहा है 1 अप्रैल, क्योंकि अपन ने बुक बिगनिंग में भी सेम डेट डाल दी थी। अगर आप कोई और डेट डालते तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता। इतना चल नहीं है आपको? इतने में कोई डाउट तो पूछ देगी, फिर आगे बता देते चल नहीं है। इससे अलावा आप स्कूल में नेक्स्ट काम करते हैं स्टूडेंट का एडमिशन। अपन ने स्कूल के नाम से कंपनी तो बना ली, अब स्टूडेंट आएंगे आप उनसे एडमिशन करेंगे। एडमिशन करने के लिए आप यहाँ पे लेजर बनाते हैं जिसकी शॉर्टकट की होती है ALC। ए से आप जाते हैं अकाउंट इन्फो पे, एल से लेजर, सी से क्रिएट। अब स्टूडेंट जब आपके पास एडमिशन लेने आते हैं तो आप उनसे उनकी क्लास पूछते हैं उन्हें किस क्लास में एडमिशन लेना है। सबसे पहले आप यहाँ पे नेम के सामने स्टूडेंट की क्लास डालें, जैसे 9th क्लास का स्टूडेंट है तो पहले आप यहाँ पे डालेंगे 9th, फिर स्टूडेंट का नाम। पहले आप क्लास डालेंगे फिर स्टूडेंट का नाम, एंटर करेंगे यहाँ पे आप डाल देंगे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, फिर एंटर करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट का एड्रेस। स्टूडेंट से जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, एंटर करते हैं फिर एंटर, मतलब आप LIC में उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टाइप कर देंगे, फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अंडर, अंडर में आप डाल देते हैं डायरेक्ट इनकम, क्योंकि अपन स्टॉल में वर्क कर रहे हैं, स्टॉल की इनकम स्टूडेंट से ही होती है, अंडर में आ जाएगा डायरेक्ट इनकम, एंटर करके आप सेव कर देंगे। ऐसे ही आप यहाँ पे नए स्टूडेंट का बना लेंगे, जैसे वो भी 9th क्लास का है तो आप यहाँ पे डालेंगे 9th, फिर स्टूडेंट का नाम, एंटर कर देंगे यहाँ पे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर और यहाँ पे स्टूडेंट का एड्रेस, एंटर करके ये भी अंडर में आ जाएगा डायरेक्ट इनकम, एंटर करके आप इसको यहाँ से सेव कर देंगे। अब अगर आप 9th क्लास 10th क्लास या ऐसे छोटी क्लास के स्टूडेंट से एडमिशन करते हैं तब तो आप यहाँ पे डाल देते हैं क्लास और स्टूडेंट का नाम। लेकिन अगर आप 10th क्लास के बाद वाली क्लास के स्टूडेंट से एडमिशन करते हैं, जैसे 11th क्लास या 12th क्लास, तो 11th क्लास में सब्जेक्ट अपन को सिलेक्ट करना पड़ता है। 11th क्लास के सब्जेक्ट सब अलग अलग चूज कर लेते हैं, तब आप यहाँ पे डालते हैं पहले स्टूडेंट की क्लास फिर स्टूडेंट का सब्जेक्ट। फिर आप एंटर करते हैं, फिर यहाँ पे आप डाल देना स्टूडेंट का मोबाइल नंबर और यहाँ पे स्टूडेंट का एड्रेस, एंटर करके अंडर में ये भी आ जाएगा डायरेक्ट इनकम, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। मतलब आप पहले स्कूल की कंपनी बनाएंगे फिर स्टूडेंट का एडमिशन करने के लिए आप प्रेस करते हैं ALC और लेजर बना लेंगे आप जिसका फुल फॉर्म होता है ए से अकाउंट इन्फो, एल से लेजर, सी से क्रिएट। और एडमिशन करते टाइम सबसे पहले आप डालते हैं स्टूडेंट की क्लास फिर स्टूडेंट का नाम, और LIC में आप उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको उसमें फिल करना है। ठीक है, और अगर आप 10th क्लास से छोटे स्टूडेंट का एडमिशन करते हैं तब तो आप सिर्फ क्लास और स्टूडेंट का नाम डालते हैं, उससे बड़ी क्लास से करेंगे तो आप पहले क्लास फिर सब्जेक्ट फिर स्टूडेंट का नाम डाल देंगे। इतने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, चलिए इतने किसी से डाउट नहीं, पूछना हो तो पूछ लीजिए, आइए तो फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास बता देंगे। अभी इतने में पूछना हो तो पूछ लीजिए, कर लेंगे।